नमस्कार, आपने चाय या सिगरेट के खोके पर या यूं कहें चाट पकौड़ी के स्टॉल पर छोटू, राजू, अरे बाबू इधर आना, इस नाम के बच्चों को काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। हर दूसरे दिन आपको ये नज़ारा भले ही आम लगता होगा, लेकिन कानून की नज़र में 14 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए ये एक अपराध है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा है, लेकिन आपकी शिकायत उस बच्चे को उसका हक दिला सकती है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ 14 से 18 साल के बच्चों को काम करने की इजाज़त है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये कानून जो बच्चों को उनका हक दिलाता है। दरअसल बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में शामिल करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें ऐसा करने पर दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर कहा जाता है, उनके किसी भी प्रकार के खतरनाक व्यवसाय में शामिल होना प्रतिबंधित है। हालांकि किशोरों को गैर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति प्राप्त है। चलिए जानते हैं किन जगहों पर नहीं करना होगा काम। बता दें, कानून के तहत किसी भी बच्चे को इन 13 व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं है, जिसमें से एक है रेलगाड़ी, माल या मेल परिवहन। वहीं दूसरे नंबर पर है ऐश गटर, यानी जिसे पिट भी कहा जाता है, यानी कि पिट की सफाई या रेलवे परिसर में बिल्डिंग ऑपरेशन। वहीं तीसरे पर है रेलवे स्टेशन के किसी खान पान विक्रेता या अन्य कर्मचारी के साथ चलती ट्रेन में। मैं चौथे पर बात करेंगे रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में। इसके अलावा किसी भी बंदरगाह पर, पटाखे की दुकान में पटाखे बेचने का कार्य, इसके अलावा बूचड़खाने या वधशालाएं, ऑटोमोबाइल कार्यशाला और गैरेज, ढलाई कारखानों यानी फाउंड्री। वहीं जहरीले या ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों को संभालने के काम, हैंडलूम और पावर लूम उद्योग, खान और कोलियरी, इसके साथ ही प्लास्टिक और शीशे रेशा कार्यशालाओं में, ऐसी जगहों पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। मैं बात करें सजा की, तो नाबालिग बच्चों को अवैध व्यवसायों में शामिल करने पर 6 महीने से 2 साल के बीच की जेल या फिर 20,000 से 50,000 रुपए के बीच का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बार बार पकड़े जाने पर 1 से 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है, जिसके मद्देनज़र कानून में प्रावधान है। सही रोजगार और मेहनतता हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो काम में लगा हुआ है। अगर आपके आसपास भी ऐसे कई राजू या छोटू हैं जो अपने काम से परेशान हैं, तो कानून से जुड़ी ये जानकारी अमल में ज़रूर लाएं और देखते रहिए माय लॉर्ड।